मध्य प्रदेश के बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का फिर एक बार वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स के साथ वीडियो कॉल पर कुल 500 करोड़ की डील करते नजर आ रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होते ही एक बार फिर कांग्रेस ने नरेंद्र सिंह तोमर और पूरी बीजेपी को सियासी मैदान में घेर लिया है। कांग्रेस पार्टी लीडर्स ने प्रेस मीट कर बीजेपी के घोटालों को एक्सपोज कर कहा, मध्य प्रदेश में आम जनता का पैसा लूटा जा रहा है और बीजेपी को वोट देने में जनता का बड़ा नुकसान है। फिर एक बार अपने बेटे का वीडियो वायरल होते ही नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्विटर पर लिखा, इलेक्शन के दौरान इनके बेटे का वीडियो वायरल कर अपोजिशन पार्टी जनता को गुमराह कर रही है। लेकिन मंत्री साहब के बेटे की करतूत का वीडियो वायरल होने के बाद वीडियो कॉल पर इनके सामने जो बात कर रहा है, वो शख्स भी कनाडा से वीडियो बनाकर पूरी सच्चाई सामने रख दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute. लेकिन एक responsible opposition होने के नाते सर्वप्रथम तो ये कहेंगे कि हमने इस मंच से पहले दो वीडियो दिखाए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक वीडियो कॉल पर 100 करोड़ एक वीडियो में और 500 करोड़ की हेरा फेरी, कैसे हवाला आएगा, किस अकाउंट में जाएगा, कितने अकाउंट खुलने, इस सब की चर्चा करते हुए दिखाई दिए हैं। भाजपा ने अभी तक यह कहकर खारिज किया कि यह झूठा वीडियो है। सत्य का पता लगाना एजेंसी का काम है, भाजपा ब्रह्मवाक्य नहीं बोल रही है। हम बार बार कह रहे हैं एक वीडियो आया है जिसमें ऐसा प्रतीत हो रहा है सामने सामने कि नरेंद्र सिंह तोमर के लड़के देवेंद्र तोमर एक बिचौलिए से फोन पर बात कर रहे हैं, 100 करोड़ 500 करोड़ की डील कर रहे हैं। हमें तो लगा 500 करोड़ की डील हो रही है। अब एक वीडियो सामने आया है और यह व्यक्ति जो अपने आप को जगमनदीप कह रहे हैं, कैनेडा के रहने वाले हैं, इन्होंने अपना फोन नंबर और अपना एड्रेस दोनों साझा किया है और साथ में यह कहा है कि मीडिया का कोई साथी अगर थोड़ी खोजी पत्रकारिता करना चाहता हो, थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करना चाहता हो, तो आप इस नंबर पर जो इन्होंने इस वीडियो पर भेजा है और हमने एमपीसीसी पर यह वीडियो लगा दिया है, आप इस नंबर पर इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी कोई प्रूफ मांगना चाहती हो तो वो लगातार प्रूफ यहां पर भी दिखा रहे हो और वो सारे प्रूफ साझा करने को तैयार है। ये व्यक्ति अपने आप को जगमनदीप बता रहा है और यह भी कह रहा है कि इनकी नरेंद्र सिंह तोमर के लड़कों के साथ दोस्ती थी, और दोस्ती ही नहीं थी, जिस तीन कृष्ण मेनन मार्ग पर लुटियंस दिल्ली में अमित शाह के जस्ट सामने वाली कोठी में नरेंद्र सिंह तोमर रहते हैं, इस व्यक्ति का दावा है कि ये वहां पर था 2020 मार्च में और ये खुद गांजे की खेती करता है और गांजे की खेती में तोमर परिवार अकॉर्डिंग टू जगमनदीप पैसा लगाना चाहते थे। पैसा उन्होंने कहा जब हमारे पास आ जाएगा तो हम लगाएंगे, और वो क्रमवार तरीके से बता रहा है पैसा कैसे आता है। इनका आरोप है कि जो भी काम उनके पास आता था वो 100 से 500 करोड़ का कमीशन लेते थे, फाइल पास होती थी, काम होता था और ऐसे बात ये चल रही थी। ये आरोप लग रहे हैं, ये आरोप अब सार्वजनिक मंच पर आ चुके हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन हमारी जिम्मेदारी है कि हम इसके बारे में बात करें, और हम पूछना चाहते हैं कि अब किस बात का इंतजार है, क्योंकि यह व्यक्ति आगे बढ़कर यह भी कह रहा है, जो त्यागी का चर्चा हुई थी, जो रिटायर्ड आरबीआई का ऑफिशियल था वो पार्टी लेकर आते थे, इनका कहना है, इनका कहना है जो मोनाडो नाम की कंपनी के थ्रू पैसा हो रहा था वो कोहली को भी ये जानते हैं, वो प्रूफ भी देने को तैयार है। लेकिन जो सबसे ज्यादा चिंता वाली बात है, सर्वप्रथम तो यह बात है कि एक ऐसा व्यक्ति सामने आया है जो किसी दबाव में नहीं, मुझे लगता है बड़े स्वच्छंद रूप से यह कहता हुआ सुनाई दे रहा है कि मैं प्रूफ देने को तैयार हूं, और यह 100-500 करोड़ का नहीं, यह 10,000 करोड़ का मामला है। 10,000 करोड़, कितने जीरो होते हैं अभी गिनते रह जाइएगा, यह 10,000 करोड़ का मामला है। पेस्टिसाइड पर, बीज पर, हर चीज पर कमीशन लिया गया, और साफ तौर से ये भी कह रहे हैं कि ये पैसा कैश में दिया जाता था और गुरुद्वारे जैसी इतनी पाक, इतनी पावन संस्था को भी
इन लोगों ने दूषित करने का काम किया, उनका भी दुरुपयोग किया गया। आगे वो ये कहते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू वायर ट्रांसफर हो रहा है, उसका भी प्रूफ है, आईसीआईसीआई बैंक के सारे प्रूफ एजेंसीज को मिल जाएंगे अगर एजेंसीज करना चाहेगी। फिर वो कहते हैं कि जो पार्सल का जिक्र हो रहा था, और ये दूसरी बड़ी चिंता का विषय है, तीन कृष्ण मेनन मार्ग पे अगर आपको याद हो एक पार्सल आना था, प्रूफ चाहिए था, वो पार्सल तोमर जी की बहू श्रीमती हर्षिनी जी के लिए आया था और उसमें मेकअप के सामान के साथ भांग और गांजा भी तथाकथित तौर पर भेजा गया था। तो जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है एनसीबी, उसको भी हरकत में आ जाना चाहिए था। उसके बाद इनका कहना है कि बेनामी संपत्ति, बेनामी एजेंसीज के थ्रू 100 एकड़ की लैंड न्यू ब्रंसविक कनाडा में खरीदी गई। इस व्यक्ति ने अपना पता दे दिया है, 35826 साउथ पैरेलल रोड, ये ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा का हिस्सा है वहां का है। इसने अपना नंबर दिया है, साथ ही में इसने बोला है कि 100 एकड़ की जमीन बेनामी संपत्ति नरेंद्र सिंह तोमर के परिवार की कनाडा के न्यू ब्रंसविक प्रोविंस में खरीदी गई है। हमारे कुछ सवाल है और सरकार से ये जवाब चाहिए ही चाहिए। तो इसमें ड्रग का मामला सामने आ गया, एक ड्रग कार्टल एक्टिवेट हो गया, इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का क्लियर मामला सामने है क्योंकि बेनामी संपत्ति, पैसे को वायर किया जा रहा है, कैश लिया जा रहा है, एनसीबी का मामला बना, ईडी का मामला बन गया। एक मंत्री को लेकर यह सब हो रहा है तो सीबीआई क्यों चुप बैठी हुई है? और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा पाप इसमें किया गया है कि गुरुद्वारे जैसी पावन संस्था को भी दुरुपयोग के लिए इस्तेमाल किया गया है। ये आज कहां है आपकी ईडी और सीबीआई? किस मुंह से प्रधानमंत्री सभा सभा में घूमकर भ्रष्टाचार की बात करते हैं? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार आपकी नाक के नीचे आपके प्रोत्साहन से आपके मंत्री लोग कर रहे हैं और अब लोग सामने आकर प्रूफ और साझा करने को तैयार है। This video presented by Alsharay College Gulbarga. Admission are open for long term NEET exam for repeaters batch from 10th July. Expecting 20 plus free MBBS seats. NEET rank enhancement special program based on NEET marks. For more details contact Alsharay Group of Institute.